नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। घर में जब कभी कोई चूहा नजर आ जाए तो सब काम छोड़ पहले उसे बाहर भगाया जाता है, और अगर कोई चूहा खाने को जूठा कर दे तो ऐसे में फिर चाहे वो कितना ही महंगा खाना क्यों ना हो, बीमारी होने के डर से और घिनता से कोई उसे खाना तो दूर देखना भी नहीं चाहता। लेकिन क्या आपको पता है राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जहाँ इन्हीं चूहों का जूठा खाने के लिए लंबी कतारें लगती है। लोगों की श्रद्धा ऐसी है कि इन चूहों को वे भगवान से कम नहीं समझते। 600 साल पुराने इस मंदिर में 25,000 से ज्यादा चूहे हैं, और ये चूहे आरती में भी शामिल होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीकानेर जिले में स्थित करणी माता मंदिर की। यहाँ चूहे हैं ये तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ इतने चूहे आखिर हैं क्यों, और इन चूहों को आखिर देवता समान क्यों माना जाता है, ये बेहद कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज आपको इस मंदिर के कई रहस्यों से रूबरू करवाते हैं। करणी माता मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। कहा जाता है कि माता करणी माँ दुर्गा का अवतार है। इतिहास के अनुसार माता करणी का जन्म रिघुबाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। शादी के बाद उनका सांसारिक मोह माया से लगाव टूट गया और वे तपस्वी बन गई। यह भी कहा जाता है कि माता करीब 151 वर्ष तक जीवित रही। माता ने जिस जगह पर अपना शरीर त्यागा उसी जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर में चूहों का होना अभी तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। खास बात यह है कि इतने चूहे होने के बावजूद भी यहाँ किसी तरह की बदबू नहीं आती। खैर, ऐसी मान्यता है कि करणी माता के बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया था। जब माता को यह पता चला तो उन्होंने यमराज के आगे उसे फिर से जीवित करने की जिद पकड़ी। यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित किया। कहते हैं तभी से यहाँ पर हजारों चूहे खुले आम घूमते नजर आते हैं। ये सभी माता के बेटे और वंशज हैं। हालांकि लोकगीत की बात करें तो इनमें चूहों की एक अलग कहानी बताई जाती है, और इस कहानी के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनोक पर हमला करने आई थी। माता को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने सभी को अपने प्रताप से चूहा बना दिया और देशनोक की रक्षा की। खैर, ये तो रही पुरानी मान्यताओं की बात, लेकिन आज भी इस मंदिर में कई रहस्य हैं। जैसे यहाँ चूहों का जूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है और इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कहते हैं कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के भी बीमार होने की खबर नहीं मिली है। हालांकि यह भी बता दें कि यहाँ पर शुद्ध प्रसाद भी मिलता है। इन चूहों की एक विशेषता और है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे की आरती के समय ये सभी चूहे अपने बिल से बाहर निकल आते हैं। वाकई में बड़े रहस्यमयी मंदिर है राजस्थान में, और इनकी मान्यताओं का तो कोई जवाब नहीं। चूहों के जूठे से बीमारी ठीक होना वाकई में बेहद अचरज भरा है। खैर, राजस्थान में और भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे आपसे एक नए रहस्य भरे मंदिर के साथ। अगर आप भी किसी मंदिर के बारे में हमें बताना चाहते हैं या फिर किसी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।